जिहड़े दो बंदे होर ने आ स्विफ्ट वाले जी बहुत रजे हुए ने बहुत पीती हुई उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने गड्डी लिया के पहला इधर बिच मारी जो मैं सुने है जी साडी गड्डी दे बिच मारी है मेरे मम्मी पापा सी बिच फिर उधर उपर वो एक्टिवा से टू व्हीलर से उन्होंने उपर चढ़ाई है गड्डी वो खड़ी है जी सामने स्विफ्ट गड्डी खड़ी है वो उपर चढ़ाए सारे मोटरसाइकिल दबे मम्मी पापा मैरिज चाहिए जी मैं करे सी मैं देखो जो असी अंदरों निकले असी आके देखा भी बहुत बड़ा कट होया बस बी जड़िया साड़िया रोड़ा ने यह मौत का खूह बन चुकिया ने और गड्डी वाले देखते नहीं चला लगे मोटरसाइकिल स्कूटर से गड्डी चढ़ाती वह बंदा बिल्कुल नशे च है वह हाले तक उन्हूं यह नहीं पता लग रहा मैं की किया अंदरों निकलिया बाद चली थी जी बस सानू तो पता ही लगे जी एकदम खां के नेरा हो गया जी बस मेरे तो स्टेयरिंग बढ़ गई जी ये पता ही लगे जी घरद ने सट्टा लगे जी शीशा बढ़ गया सिर के मैं आके देखा उ बॉडी एक डेड पई है उ खेतों के तो जोड़े दो बंदे होर ने स्विफ्ट वाले जिथे तक मैं पता लगी है कल भी पटियाले तो आ रहे थे ये तो बहुत रजे हुए हैं बहुत पीती हुई उन्होंने बहुत ज़्यादा तो उन्होंने गड्डी लिया के पहला इधर बिच मारी जो मैं सुने जी साडी गड्डी दे बिच मारी है मेरे मम्मी पापा सी बिच फिर उधर उपर वो एक्टिवा ते सीगे या टू व्हीलर ते सीगे उन्होंने उपर चढ़ाई है गड्डी वो खड़ी है जी सामने स्विफ्ट गड्डी खड़ी है वो उपर चढ़ाए सारे मोटरसाइकिल बिच दबे ने बंदे की डैथ हो गई है तो मेरे मम्मी पापा दोनों जी हॉस्पिटलाइज ने हाँ जी वो फटड़ हो गए तो उन्होंने लगी है जी चेस्ट से लगी है मम्मी के सिर से लगी है जी उन्होंने हॉस्पिटल भेजा जी मम्मी पापा मैरिज चाहिए जी मैं घरे से मैं फोन आया तो मैं आया सीगा देखो जो असी अंदरों निकले प्रधान साहब सी मेरे नाल सर रणजोत सिंह महेश जी असी आके देखा भी बहुत बड़ा कट होया बस इन्होंने शराब पीती हुई सी वह बंदे नूं मैं चैक किया वह बंद ने स्विफ्ट गड्डी सी पटियाले तो आ रही सी इन्होंने लिया के ये मारी और सीधी देखे ही नहीं है जाके वह बंदे ने चढ़ाती वह भी मेरे महल्ले का परले पासे रहिंदा उहदी मौके ते डैथ हो गई उहदा नाम गुरमीत सिंह है और शराब जिहड़ी है वैसे तो वह इन्ने हैगे ने विच बोतलां भी पईआं ने गड्डी दे और यह है भी एड्डी वड्डी ट्रैजडी है ये बच के मेरे महल निल है उन्हों का बेटा दस रहा है यानी कि एक गल है परमात्मा ने बहुत इन्होंने तो बचाया पर वह साडा साथी चलिया गया बहुत बड़ी ट्रैजडी हुई है और ये देख के मजर देख के लगता बई जिहड़ियां साडियां रोड़ां ने ये मौत का खूह बन चुकिया ने और गड्डी वाले देखते नहीं चला लगे और अज तो शुक्र करो भी ब्याह के बाहर बंदे एक दो ही खड़े से जो कोई होर होंगे ये बचने वाली कोई गल गुरमीत मेरे हिसाब न 55 साल का है ये टैंपू चला और मैं तो यदि शकल देखी जो आइडेंटी कार्ड देखा वो मुंडे मुलाजम आ गए उन्होंने दिखाया तो वो देख के मैं उन्होंने पहचानिया भी उही है ये वो बेचारा टैंपू थ्री व्हीलर चला गरीब आदमी पार्किंग बहुत नुकसान हो गया मोटरसाइकिल स्कूटर से गड्डी चढ़ाती वह बंदा बिल्कुल नशे च है वह हाले तक उन्हूं यह नहीं पता लग रहा मैं की किया अंदरों निकलिया बलून गड्डी दी खुल गए फुट गई जमी और स्कूटर का पता नहीं किन्ने तोड़ते दो जो स्कूटर के परे साइड से खड़ा सी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए सरकार तो मंग भी है लोगों का जीवन है जोड़ा जिंदगी है सेफ होनी चाहिए है देखो हूँ कितने जा ही नहीं सकता इन्नी ट्रैफिक का देखो और असूलों कोई गल ही नहीं है यह असूल होने चाहिए है जोड़ा कोई आज शराब का पी के सेवन करके चला लसेंस जाओ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर अभी जेडी ब्याह चली थी जी जो रोटी बुलाने फार्म हाउस है जी आगे बिच मारी जी एक लगता उन्होंने बस सानू तो पता ही लगे जी एकदम खां के नेरा हो गया जी बस मेरे तो स्टेयरिंग बढ़ गई ये पता ही लगे जी घरद ने सट्टा लगे जी शीशा बढ़ गया सिर के असी गड्डी दे दी आई 10 गड्डी दी मेरे मिसेज सी जी हाँ जी हाँ जी उन्होंने दारू पीती भी सी फुल उन्होंने गड्डी बोतल बकायदा मिली ने जी हाँ जी तो फिर तो कौन ले सर साढ़े नाल गवांडी ने जी शंभूनाथ बिरदी के बेटे ने जी वो सानू उरे लैके आए ने जी क्लीन पटियाला तो गड्डी आ रही थी स्विफ्ट कार
ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ i20 ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨਾ, ਪੈਲਸ ਕੋਲ ਸੜਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਆਇਆ ਜੀ ਹੁਣ? ਹਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ 6-7 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਐਕਟਿਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ? ਹਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਰਿਜ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ 304 ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰ।